क्या आपने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के पीछे की कहानी क्या है? अभी शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लेकिन इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई, कैसे देवी ने महिषासुर जैसे ताकतवर दानव का अंत किया और इस परंपरा की नींव रखी, यह महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और संघर्ष की अद्भुत गाथा है। इस पर्व के पीछे छुपी कहानियां और देवी शक्ति की महिमा का वर्णन आपको हैरान कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए? सब कुछ शुरू होता है महिषासुर नाम के एक असुर से। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी अत्याचार मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण किया और इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवता परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर महिषासुर से युद्ध किया, परंतु वे हार गए। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम और वरुण जैसे सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और उन्हें धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस बात पर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इस तरह मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिनको देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया, भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दी। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूप और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह को सवारी के लिए देवी दुर्गा को अर्पण कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर मां दुर्गा को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। इस प्रकार देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध के लिए तैयार हुईं।